हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एमजी पॉलिटेक्निक में इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज कैंट कैम का लेक्चर नंबर 2.6 है, ठीक है। आज बच्चों कुछ सब्जेक्टिव से हट के आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप लोग के पास अब तक नोटिस जा चुकी होगी कि आपके एग्ज़ाम जो हैं जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक में होने वाले हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम का प्रकार भी उसमें मेंशन किया हुआ है, उसमें बताया गया है कि आपको ऑफलाइन यानी कि पेन पेपर पर लिख कर एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। आपका जो मोड होगा एग्ज़ाम का, जो तरीका है, वो आपका अब ऑनलाइन हो गया है। यानी आपको एक सिस्टम मिल जाएगा, सिस्टम में आपको सवाल दिखाई देंगे और वो सवाल के जवाब जो है चार होंगे, यानी कि आपके क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है ना। उन चार जो दिए गए ऑप्शन से उसमें से आपको सही सेलेक्ट करना है और विद इन द गिवन टाइम्स आपको उसको क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जो तरीका था हम लोग का पढ़ाई करने का, वो ये था कि जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस का, उसको हम यहाँ पर नोट बनाएं, पीडीएफ के फॉर्म में आपको पहुँचाएँ और यहाँ पर हम उसका डिस्क्राइब वे में समझा दिया करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आपका मोड बिल्कुल बदल गया है, एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना है, तो अब इतना कम समय में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा देना किसी भी चीज़ का, ये थोड़ा चैलेंजिंग काम है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ एक सिद्धांत बनाए हैं। वो सिद्धांत ये हैं कि हम जो है किसी भी यूनिट का, जैसे मान लीजिए 6 यूनिट है आपके कैट कैम में, तो हर एक यूनिट के टॉपिक में से, जैसे एक यूनिट में आपको मान लीजिए कि मैक्सिमम 20 सवाल आपको हमने पीडीएफ फॉर्म में लिख के दे दिए जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे होंगे, कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ हम लोग की जिम्मेदारी है या आपके अन्य टीचर्स की जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको बस एक मटेरियल मिल जाएगा। हाँ, तो बच्चों हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हर एक टॉपिक में से कम 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट तैयार करके आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाए और उन्हीं सवालों का यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लिया करेंगे, ठीक है। कि इसका जो भी आंसर है तो वही आंसर सही क्यों है, है ना, बाकी के तीन आंसर सही क्यों नहीं हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने बस यही सोच रखा है कि हम लोग अपने स्तर से जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं किसी भी टॉपिक से, उसको हम लोग निकालें, पेपर में लिखें या कंप्यूटर में टाइप करें और पीडीएफ फॉर्म में आपको पहुँचा दें। और समझने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए आप लोग वीडियो लेक्चर्स का मुताला कर सकते हैं, यानी कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं, फाइन। तो आप लोग को हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लें कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, आपने यूनिट 1 में क्या पढ़ा, यूनिट 1 में आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कैड कैम, इंट्रोडक्शन टू कैड एंड कैम ऑब्लिक CIM, ठीक है। आपने इन तीनों के, कैड कैम CIM, इन तीनों का आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी विशेषता, है ना, और उसकी एप्लीकेबिलिटी और स्कोप, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अब इनसे ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मान लीजिए कि एक सवाल पूछा उसने, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल बना किसी वस्तु की डिजाइनिंग करने के लिए उपयोग करते हैं किसका, पहला ऑप्शन है कैड का, दूसरा ऑप्शन है कैम का, फाइन, तीसरा ऑप्शन है CIM का और चौथा है नन ऑफ दीज।
ठीक है बच्चों, तो आप लोग को क्या करना है, सवाल को बिल्कुल थोरोली पढ़ना है, उसको बिल्कुल समझना है कि किसी वस्तु को डिज़ाइनिंग करने के लिए उपयोग करते हैं, किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो आपको बिल्कुल उत्तर पता ही चल जाएगा इसमें, जैसा कि आपको इसका फुल फॉर्म अगर पता चल जाए, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कहीं डिज़ाइनिंग का तज़किरा है, कहीं मतलब कोई जिक्र है, नहीं है। CAM यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी डिज़ाइनिंग का कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है, परंतु जब आप इसको देखेंगे CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, ठीक है ना, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इस सवाल के मुताबिक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी आपका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, CAD। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में, आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल टाइप का किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है। जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सब कॉन्सेप्चुअल बेस पे हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर हैं, तो आपको क्या करना है, उनको थोरोली पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जो हम आपको PDF बना के भेजेंगे, तो वो बिल्कुल आपको किताब न पढ़ के उस PDF को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि किताब पढ़ के कॉन्सेप्ट जनरेट करना, खुद दिमाग में बैठाना, उसका समय गया, ठीक है। तो अभी आपके पास जो हार्ड एंड फास्ट रूल है वो यही है कि आपके पास मटेरियल आ जाए बहुत सेलेक्टेड चीज़ों का, उसको आप अध्ययन कर लें, पढ़ लें, और उसको यहाँ पर हम लोग वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए समझ लिया करेंगे, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, एक दो और सवाल इसमें समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सवाल इसमें ये भी तैयार हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी डिज़ाइन वस्तु को काट कर देखा जा सकता है, किसी वस्तु को काट कर देखा जा सकता है, किसकी सहायता से, स्लाइस कमांड की सहायता से, ठीक है। दूसरा है एक्सट्रूड कमांड की सहायता से। तीसरा है, मान लीजिए रिवॉल्व कमांड की सहायता से। ये चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपको इनमें से सही उत्तर जो आपको लगता है कि इस सवाल के मुताबिक बन रहा है, वो आपको यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्लाइस कमांड, स्लाइस का मतलब ही होता है टुकड़े करना, ठीक है। तो स्लाइस कमांड आपको जब उसके नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा, तो आपको और भी ज़्यादा कमांड्स के बारे में बताया जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा कमांड किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइस कमांड। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रूड और रिवॉल्व तो हमको पता है ना, एक्सट्रूड और रिवॉल्व तो कोई चीज़ बनाने के लिए होता है ना, उसको काटने के लिए नहीं होता। तो काटने के लिए बचा आपका स्लाइस, स्लाइस का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को दो टुकड़े कर देना। तो यहाँ से भी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जो कमांड का नाम रखा गया है वो डेली लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। अब जैसे रिवॉल्व कमांड, इसके लिए कोई एकदम साइंटिफिक नाम नहीं रख दिया गया, इसमें आपको बेसिकली प्रोडक्ट को घुमा के ही, तो मतलब किसी एक्सिस के अराउंड घुमा के ही तो पूरा जनरेट करना रहता है ना, तो घुमाने को इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्व कमांड, दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज रिवॉल्व कमांड। एक्सट्रूड कमांड, किसी भी चीज़ को पकड़ के एक्सट्रूड करना, खींचना, तो ऐसे कमांड को आपने एक्सट्रूड कमांड रख दिया। स्लाइस का मतलब होता है दो टुकड़े करना। सवाल आप पढ़ लीजिए, किसी डिज़ाइन वस्तु को काट कर देखा जा सकता है, किसकी सहायता से, तो स्लाइस कमांड की सहायता से, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका हो गया आपका कि पैटर्न किस तरह का होना है, ठीक है। तो हम लोग आज से लेक्चर नंबर 2.7 से इसी तरीके से, इसी मोड से और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपको अगले दिन से PDF प्राप्त करा दी जाएगी, ठीक है। आप लोग को
क्लास लेते वक्त पीडीएफ एक साथ एक साइड में रखना है, ठीक है, और दूसरी साइड में वीडियो लेक्चर्स को समझते चलना है। तो इससे आपको एक लिखी लिखाई नोट्स आपको मिल जाएगी और दूसरी ओर आपको समझाने के लिए वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ से बना दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज के टॉपिक का, ठीक है, आज के लेक्चर्स में बस इतना ही, बस थोड़ा सा आगाह करना चाह रहा था आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स को लेके। तो बच्चों इसी तरीके से पढ़ाई करनी है और पढ़ाई में कोई ढिलाई ना करिए, क्योंकि ऐसा कोई आदेश नहीं आने वाला जिससे कि आप सब प्रमोट हो जाएं, ठीक है। आप सब टेक्निकल बैकग्राउंड के अब बच्चे हो गए हैं, तो टेक्निकल को टेक्निकल तभी माना जा सकता है ना कि जब वो टेक्निकल का एग्ज़ाम निकाल चुका हो। तो बिना एग्ज़ाम निकाले कोई किसी को टेक्निकल नहीं कह सकता, इसीलिए आपके एग्ज़ाम्स होंगे, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हो, ऑनलाइन हो, लेकिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें और घर पर रहें, ठीक है, और किसी भी तरीके की परेशानी आने पर डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।